हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जब भी बात आती है गेमिंग की तो माउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और पर्सनली तो मैं बताऊं तो मैं एक ऐसा गेमिंग माउस यूज़ कर रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। फिलहाल दोस्तों अगर आप मेरे माउस की बात करें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिटेक G502 हीरो, जो कि जब ये लॉन्च हुआ था तब ये था इसका प्राइस 6,500 रुपये। और फ्रेंकली मैं बताऊँ 6,500 रुपये एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और स्पेशली जब आप ये कंसिडर करें कि वो एक माउस के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो अब हर बंदा 6,500 रुपये गेमिंग माउस के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि वो एक बजट सेगमेंट में चले जाएं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो माउस हैं जो कि एक बजट सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना चलो यार अपने मेन माउस को रिप्लेस किया जाए इन दोनों माउस से, और देखा जाए कि कैसा एक्सपीरियंस होता है अगर आप एक बजट सेगमेंट का माउस लेते हैं। सो बात करें अगर इन हैंड फील की, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट चीज़ आप बजट सेगमेंट के माउस में नोटिस करते हैं वो है इसका वेट। यहाँ पर डेफिनेटली इस माउस में जो आपको वेट मिलता है वो काफ़ी कम है। वही ये दूसरा माउस जो है थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें आपको वेट जो है वो थोड़ा सा एडिक्वेट मिल जाता है। और वही बात करें अगर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही माउस में आपको ब्रेडेड केबल मिलती है। हालांकि अगर USB पोर्ट देखें तो गोल्ड प्लेटेड नहीं है, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है क्योंकि इस बजट प्राइस रेंज में आप ये कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दोनों की ही USB जो है वो नॉर्मल वाली USB है। और द बेस्ट थिंग इज यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं और DPI सेंसर दोनों ही माउस में मिल जाता है। हालांकि जो थोड़ा कॉस्टली माउस है वहाँ पर आपको DPI प्लस और माइनस करने का डेडिकेटेड बटन मिलता है, वही चीप माउस में आपको जो बटन मिलता है वो थोड़ा सा मतलब एक ही है, मतलब कि एक ही बटन से आपको मैक्सिमम बढ़ता जाएगा और फिर अचानक से सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने याले लॉजिटेक माउस को हटा के एक एक करके दोनों ही माउस को ट्राई करते हैं और अपना इन हैंड एक्सपीरियंस बताते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं फ्लैगशिप माउस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता हो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा वर्स हो जाए। आप लोग अगर बजट सेगमेंट के माउस पर ही हैं तो हो सकता हो आपका एक्सपीरियंस उतना गंदा ना हो, लेकिन फिर भी मैं यही ट्राई करूँगा कि जो मेरा जजमेंट हो वो काफ़ी न्यूट्रल हो और हर बंदे पर एप्लीकेबल हो। ना अपने माउस को अब हटाते हैं, ये दो माउस पे लगा लेते हैं अपने सिस्टम। नाउ लेट्स फायर अप सम गेम। यहाँ पर आप कुछ गेम्स जो है स्टार्ट करते हैं ये माउस को लगा के, जैसे कि अब आप इसको देख सकते हैं। जब तक गेम लोड होता तब तक कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जब आप इसके RGB देखते हैं, मतलब कि जो आपको बॉक्स में मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा RGB है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप बॉक्स पे बने RGB को एक्चुअल माउस से कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी कम है, मतलब कि RGB जो यहाँ पर मिलती है वो काफ़ी डिम है। और फिलहाल तो मुझे कोई और नोटिसबल डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, बाकी हद तक माउस जो है वो काफ़ी सेम है। फिनिश यहाँ पर काफ़ी मैट वाली है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर गेम्स जो है वो फायर अप कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पर नोटिस करते हैं वो है इसका वेट। थोड़ा सा वेट जो है मेरे पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम है, मुझे अभी भी शौक लगा तो फर्स्ट राउंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर DPI मुझे काफ़ी ठीक लगी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 800 DPI आपको यहाँ पर मिलती है। और बाकी यहाँ पर मुझे जो है जो ग्रिप मिल रही है वो भी ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक की साइड में मिलती है, क्योंकि ठीक है यार बजट सेगमेंट में आप रबर की एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नाउ अब यहाँ पर ट्राई करते हैं अपने दूसरे माउस को। फिलहाल तो मेरा एक्सपीरियंस इस माउस का ठीक रहा है। अब दूसरा माउस ट्राई कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉस्टली है। इस माउस में जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसकी RGB। यहाँ पर RGB भी है और मेटल का भी यूज़ किया गया है पेल के, जिस वजह से ये माउस थोड़ा सा हैवी भी है। बाकी वायर की क्वालिटी USB क्वालिटी सेम है। और इस माउस में जो अभी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बटन्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा क्लिकी हैं। और बाकी फ़िलहाल तो मुझे कोई चीज़ यहाँ पर नोटिस और करने को नहीं मिला। एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर मेटल यूज़ किया गया है, अगर आपके हाथ थोड़े बहुत स्वेटी होते हैं तो ये चीज़ आपसे स्लिप भी हो सकती है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो। अगर आपके हाथ में स्वेट वाली प्रॉब्लम है तो ये माउस आपके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन रहेगा। वही अगर आपके हाथ मेरी तरीके ड्राई रहते हैं और थोड़े हैवी माउस आपको पसंद है, थोड़ा ज़्यादा बजट है आपका, तो आप इस माउस के साथ भी जा सकते हैं। नाउ
अब एक काम करते हैं, इस गेम को बंद करते हैं, बात करते हैं अपने कंक्लूजन की कि आप लोग को ये दोनों माउस लेना चाहिए या नहीं, क्या ये अपनी वैल्यू जस्टिफाई करते भी हैं या नहीं। बंद करते हैं यार इसको। अब कंक्लूजन के बारे में बात कर लेने से पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में, जो कि है CPUMafia.com। अगर आप दोस्तों चीप में पीसी पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड जैसी चीज़ें लेना चाहते हैं, इवन अगर आप प्रीबिल्ट पीसी या गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप CPUMafia.com को चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन कोड भी दे दूंगा, जिसका यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि मैं इन दोनों ही माउस को लॉजिटेक या किसी भी फ्लैगशिप माउस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनकी ग्रिप, उनका वेट, उनका सेंसर, उनके बटन्स, उनकी हर चीज़ इन माउस से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे आप वो प्राइस भी पे कर रहे हैं जो कि आपको चीज़ें मिल रही हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है उन लोगों की जो लोग उतना ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना चाहते, फिर भी थोड़ा बहुत एक डिसेंट माउस लेना चाहते हैं, थोड़ा फ्लैशी, थोड़ा गेमिंग लुक वाला। तो मैं मानता हूँ उन लोगों के लिए ये माउस एक ठीक ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंकली बताऊँ, 700-800 रुपये वाले माउस यूज़ करें, उनके कंपैरिजन में इनके क्लिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता हो अगर आप लोग ये माउस लें तो आपको ग्रिप में प्रॉब्लम हो। मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इससे पहले लॉजिटेक का G502 हीरो यूज़ कर रहा था, उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। वही अगर आप लोग फर्स्ट अपना गेमिंग माउस लेने जा रहे हैं बजट सेगमेंट वाला, तो हो सकता हो आप लोग इतनी चीज़ें नोटिस भी ना करें। वैसे ये माउस जो है 1100 रुपये का है और ये माउस 800 रुपये का है। फिलहाल अगर बात करें क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली येस। और फ्रेंकली मैं बताऊँ, अगर आप इस प्राइस रेंज पर माउस लेने जाते हैं तो आप इस क्वालिटी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जितने भी माउस इस प्राइस रेंज पे मिलते हैं उन सभी की क्वालिटी ऐसे ही होती है। अब ये माउस बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत बुरा है, लेकिन जिस प्राइस पे आता है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप में से जो लोग बजट सेगमेंट में और एक माउस लेना चाहते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों माउस के ही लिंक दे दूंगा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाकर खरीद सकते हैं। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।